नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये सूचना जारी कर दी थी कि जो भी राज्य अपने अपने लोगों को दूसरे राज्यों से अपने घर गृह राज्य में बुलाना चाहता है, वो दूसरे राज्यों की सरकार से संपर्क करके, बातचीत करके, आपसी समन्वय बिठाकर उन्हें गृह राज्यों में वापस बुला सकते हैं। उसी कड़ी में झारखंड सरकार ने फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने तेलंगाना सरकार से बातचीत कर झारखंड के 24 जिले के लोगों को वापस झारखंड बुलाने का फैसला लिया है। इसके लिए तेलंगाना से एक स्पेशल ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पर आने वाली है, जिसको लेकर स्टेशन में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रांची के हटिया स्टेशन पर बैरिकेटिंग की जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम तो वहां हमेशा होता ही है, साथ ही साथ अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंस को मेनटेन किया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 24 जिले के लोग उस ट्रेन में सवार होंगे, स्पेशल ट्रेन में, इसीलिए 24 जिले की तरफ से 24 बसेज वहां पर होंगी, जिसमें अलग अलग जिले के लोगों को भरकर जिलों अलग अलग उनके जिलों में पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ जिले में अंदर घुसने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्ट किए जाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कहीं लोग कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। साथ ही साथ रेलवे के CPRO है, रांची रेल मंडल के CPRO, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। सर, सूचना है कि तेलंगाना की ओर से ट्रेन आ रही है, क्या कुछ है सूचना? एक स्पेशल ट्रेन 02704 लिंगापल्ली सिकंदराबाद मंडल से सूचना मिली है, और वो ट्रेन जो है वो बल्लारशा, गोंडिया, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा होते हुए हटिया पहुंचेगी। रात के 11 बजे हटिया पहुंचने की फिलहाल सूचना है। सर, यहाँ रेल मंडल क्या व्यवस्था, क्या तैयारी? ये जो व्यवस्था, जो हमारा, जो हमें जो जिम्मेदारी मिली है कि ट्रेन को जो है टाइमली यहाँ तक लेकर आना, उसके बाद की जो व्यवस्था है वो चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल जो है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से रहेगा, जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा, तो जो व्यवस्था है वो उनके द्वारा देखा जाएगा, वो हम लोग अपने जो भी हमारे तरफ से कोऑपरेशन हमको चाहिए। सर, स्टेशन वगैरह सैनिटाइज किया जा रहा है? वो तो हम लोग रेगुलर स्टेशन को सैनिटाइजेशन होता रहता है, वो रेगुलर हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। और सैनिटाइजेशन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग अनाउंसमेंट करना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो हम लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं और वो निरंतर जारी रहेगा स्टेशन पे। तो जैसा कि आपने रांची रेल मंडल के CPRO को सुना, उन्होंने कहा है कि तैयारियां काफ़ी पुख्ता है, लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंस कैसे स्टेशन में मेंटेन किया जाएगा ट्रेन से उतरने के बाद, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद होंगे, उसके बाद जिम्मेदारी झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की हो जाएगी, वो अपने अपने जिले के लोगों को लेकर जाएंगे। कोरोना की जांच भी हो सकती है, अगर कोई संक्रमित किसी भी तरह की कोई आशंका हो, साथ ही साथ स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।